लेसन टू पाठ दो द काबुली बाला काबुली बाला लिटिल मिनी वॉज 5 years old छोटी मिनी 5 साल की थी एंड आ ग्रेट चैटर बॉक्स और क्या थी बातूनी और बहुत बातूनी थी शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम वो शी वह कुड नॉट नहीं रह सकती थी कुड नॉट लिव नहीं रह सकती थी बिना बातें किए ऑल द टाइम वह बिना बोले सिंपली साधारणता बिना बोले साधारणता पूरे दिन नहीं रह सकती थी हर मदर वॉज ऑफन वरीड अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी उसकी माता थी ऑफन मतलब बार बार या हम कई बार ऑफन मतलब ज़्यादातर उसकी माता ज़्यादातर वरीड परेशान रहती थी उसकी इस नॉन स्टॉप बिना रुके बोलने से उसकी मदर प्रायः या ज़्यादातर उसके बिना रुके बोलते रहने से चिंतित रहती थी एंड ट्राइड टू साइलेंस हर और उसको चुप कराने की कोशिश करती थी हर कन्वर्सेशन विद हर फादर वॉज ऑलवेज वेरी लाइवली हर कन्वर्सेशन उसकी बातचीत उसके फादर हर फादर विद हर फादर उसके पिताजी के साथ वॉज थी ऑलवेज हमेशा वेरी लाइवली बहुत मतलब खुश ठीक है उसकी जो बातचीत थी वो अपने पिता के साथ हमेशा बहुत ही ज़्यादा खुश रहती थी या जीवंत भी बोल सकते हो जीवंत रहती थी जब वो अपने पिता से बात करती थी तो वन डे एक दिन मिनी वर्स्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम एक दिन क्या होता है एक दिन मिनी अचानक से अपने पिता के अध्ययन रूम में पहुंच गई शी पुट हर आर्म अराउंड हिम एंड सेड उसने अपनी बाहें होती हैं अपने दोनों हाथ अपनी बाहों को अपने पिता के चारों तरफ रखा और कहा उसने अपनी बाहों को आर्म को बाहों को अराउंड चारों तरफ हिम अपने पिता के उनके चारों तरफ रखा और कहा व्हाट डू यू थिंक आप क्या सोच रहे हैं पिताजी फादर भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स भोला कहता है कि देयर इज यहाँ पर है एक हाथी इन द क्लाउड्स बादलों में एक हाथी है हु ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक एंड दैट इज़ वाई इट रेन्स जो यहाँ पर एक हाथी है जो ब्लोज आउट बाहर पानी को फेंकता है आउट ऑफ इट्स ट्रंक अपने सूंड से बाहर पानी को फेंकता है और इसीलिए बारिश होती है ये भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है जो अपनी सूंड से पानी फेंकता है इसी कारण बारिश होती है बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई शी रेन टू द विंडो बिफोर उसके पिता पहले कुछ बोलते उससे ही पहले वो भागती दौड़ती गई किसके विंडो के पास इससे पहले उसके पिता उसे कुछ उत्तर देते रिप्लाई उत्तर देते वह दौड़ती हुई खिड़की के पास गई ए काबुली वाला अब वो कैसे बोल यहाँ अब ये आवाज़ है ए काबुली वाला मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला अब मिनी क्या कर रही है जो काबुली वाला बाहर है उसको आवाज़ लगा रही है बट वेन ही लुक्ड एट हर लेकिन जब उसने काबुली वाले ने उसकी तरफ मिनी की तरफ देखा शी वॉज इन टेरर एंड रेन टू हर फादर वो कितनी डर में आ गई वो डर गई थी ठीक है
वो डर में आ गई या डर गई थी और भागते हुए अपने पिताजी के पास गई। शी हैड हर्ड दैट काबुलीवाला स्कॉट चिल्ड्रन, उसने सुना था कि जो काबुलीवाला होते हैं वो बच्चों को पकड़ते हैं एंड बच्चों को पकड़ते हैं पुट देम इन देयर सैक्स एंड टुक देम हबे। तो जो उसने सुना था कि काबुली वाले जो होते हैं वो बच्चों को पकड़ते हैं और उनको अपने सैक में रखते हैं, सैक मतलब उनका जो बोरा होता है उसमें रखते हैं, और टुक देम अबे और उनको दूर ले जाते हैं और उनको लेके चले जाते हैं। द काबुली वाला केम टू मिनीज हाउस, जो काबुली वाला होता है वो मिनी के घर पर आता है एंड हर फादर मेड श्योर दैट मिनी वुड कम आउट एंड मीट हिम और उसके पिता ने मेड श्योर विश्वास दिलाया कि मिनी बाहर आएगी और उससे मिलेगी। सून मिनी लॉस्ट सून मतलब जल्दी ही, मिनी लॉस्ट मिनी ने खो दिया या चला गया। सून मिनी लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम, जल्दी ही मिनी ने अपना जो डर था काबुली वाले के लिए वो खो दिया या जल्दी ही मिनी का डर उससे चला गया। एंड इट वॉज अ जॉय टू वॉच द बिग बियर्डेड पठान टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5-year-old। जल्दी ही उसका जो डर चला गया और एक बड़ी दाढ़ी वाले पठान का छोटी 5 वर्ष की बच्ची से कोमलता से बात करते देखना प्रसन्नता की बात थी। इट वॉज जॉयफुल, ये प्रसन्नता की बात थी देखना बिग बियर्डेड पठान, बड़ी दाढ़ी वाले पठान को टॉकिंग बोलते हुए टेंडरली कोमलता से एक टू लिटिल छोटी सी 5 साल की लड़की से, 5 साल की लड़की से एक बड़ी दाढ़ी वाले पठान को कोमलता से देखना एक बहुत ज़्यादा प्रसन्नता की बात थी। द काबुली वाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर टू मिनीज हाउस, जो काबुली वाला था नाउ अब एक डेली रोज का विजिटर मतलब जो होते हैं जो मिलने वाले आते हैं, ठीक है, जो घूमने वाले आते हैं, रोज डेली विजिटर रोज मिलने आता था तो मिनीज हाउस मिनी के घर पर। काबुली वाला अब डेली मिनी के डेली मतलब रोज प्रतिदिन मिनी के घर पर घूमने आता था। दे वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स एंड क्रेक जोक्स विद ईच अदर, वो बैठते थे और बातें करते थे बहुत घंटों तक, फॉर आवर्स घंटों तक बातें करते थे एंड क्रेक जोक्स मतलब मस्खरी हंसी मजाक की बातें करते थे विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ बैठते थे घंटों बातें करते थे और हंसी मजाक की बातें करते थे। वंस आ ईयर रहमान, फॉर दैट वॉज द काबुली वालास नेम, वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री। वंस आ ईयर साल में एक बार रहमान जो काबुली वाला था उसका नाम था रहमान, फॉर दैट वॉज द काबुली वालास नेम काबुली वाले का नाम था, वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री, वो वापस जाता था अपने देश में जहाँ से जिस देश का वो रहने वाला था। साल में एक बार रहमान जो कि काबुली वाले का नाम था वो अपने देश वापस जाता था। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपल ओड हिम बिफोर ही लेफ्ट, सबसे पहले वो कलेक्ट करता था, इकट्ठा करता था सारा धन मनी दैट पीपल ओड हिम, जो लोगों पर उसका बकाया था। द पीपल ओड हिम लोगों का ओड बकाया था उस पर, सबसे पहले वो लोगों का जो उस पर धन बकाया था वो उन सबको इकट्ठा करता है बिफोर ही लेफ्ट जाने से पहले या उस देश को छोड़ने से पहले, जब वो अपने घर जाता था तो उससे पहले लोगों का उस पर जो भी धन बकाया था वो उन सबको कलेक्ट करता था, इकट्ठा करता था जाने से पहले, ठीक है, उसके बाद ही वो जाता था, उससे पहले नहीं जाता था। Although रहमान बाज बिजी, हालांकि रहमान बिजी था व्यस्त था, ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मिनी,
वो हमेशा समय निकाल ही लेता था छोटी मिनी से मिलने का, मिनी के घर जाने का, घूमने का। वन डे देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द स्ट्रीट, एक दिन वहाँ पर बहुत सारी शोर था, आवाज़ थी स्ट्रीट, सड़क पर, ठीक है, एक दिन वहाँ पर बहुत सारा शोर था, स्ट्रीट मतलब गली, जो गलियों में सड़कें होती है, एक दिन उस सड़क पर, गली पर बहुत सारा शोर था। रहमान हैड स्टेब्ड अ मैन हु ओड हिम मनी, रहमान ने स्टेब मतलब मार दिया, चाकू भोंक दिया, ठीक है, चाकू मार दिया। स्टेब अ मैन हु ओड हिम मनी, एक आदमी जिसकी जिसका जिस पे ऊपर मनी था, उधारी था, ठीक है, या कर्जदार था जो रहमान का, रहमान ने उसको धन दे रखा होगा, रहमान ने उस आदमी को चाकू मार दिया। फॉर दिस क्राइम ही वॉज सेंट टू प्रिजन, इस क्राइम को, क्राइम के लिए, इस जो भी उसने ये अपराध किया था, इस अपराध के लिए उसको प्रिजन, जेल में भेज दिया गया। ही वॉज सेंट टू जेल, उसको जेल में भेज दिया गया। टाइम पास्ड एंड मिनी सून फॉरगेट हर ओल्ड फ्रेंड, धीरे धीरे जो समय बीतता गया, मिनी जल्दी ही भूल गई अपने इस पुराने मित्र को, मिनी भूल गई। द काबुली वाला, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, मिनी जल्दी ही अपने इस पुराने मित्र काबुली वाला को भूल गई। शी ग्रू अप इंटू अ वेरी प्रिटी वुमेन, वो बड़ी हो गई एक बहुत ज़्यादा प्यारी सुंदर स्त्री में, या हाँ, वो बड़ी हो गई एक प्यारी स्त्री में, बड़ी हो गई, अब वो बहुत बड़ी हो गई, सुंदर लगने लगी। हर फादर मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज वेडिंग, उनके पिता ने अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था की, व्यवस्थाएं की फॉर मिनीज वेडिंग, मिनी की शादी के लिए, उसके पिता ने मिनी की शादी की तैयारियां की, व्यवस्था की। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट, उस रात मिनी की शादी हो रही थी, या मिनी उस रात शादी कर रही थी। एज द फादर वॉज बिजी इन द प्रिपरेशंस, जैसे कि पिताजी वो थे, जो उसके पिताजी थे वो हमारे मतलब मिनी के जो पिताजी थे वो व्यस्त थे प्रिपरेशंस में, तैयारियों में। उस रात मिनी की शादी हो रही थी और मिनी के पिताजी शादी की तैयारियों में बिजी थे। अ मैन केम अप टू हिम एंड सैल्यूटेड रिस्पेक्टफुली, एक आदमी आया उनके पास, एक आदमी आया और उसने बहुत ज़्यादा नम्रता से, सम्मान के साथ उनको नमस्कार किया, सैल्यूट किया, नमस्कार किया बहुत ज़्यादा सम्मान से। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, एट फर्स्ट पहली दफ़ा या पहली बार जब उन्होंने देखा तो वो उनको पहचान नहीं पाए, ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज, वो नहीं पहचान पाए उसको। सून ही रियलाइज्ड, जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ, जल्दी ही उन्हें याद आया या उन्हें एहसास हुआ। इट वॉज ओल्ड रहमान, यह ओल्ड रहमान था, द काबुली वाला, जो काबुली वाला था, यह ओल्ड रहमान काबुली वाला था। मिनीज फादर मिनीज फादर टोल्ड हिम दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे, मिनी के पिता ने उसको कहा दैट आज सारी की आज शादी की सेरेमनी हो रही है, आज शादी हो रही है, शादी की रस्में हो रही हैं, द मैरिज सेरेमनी, शादी की रस्में चल रही हैं, गोइंग ऑन चल रही हैं, हो रही हैं, ही शुड कम अनदर डे, उसको किसी और दिन आना चाहिए। मिनी के पिताजी ने उससे कहा कि आज शादी की रस्में चल रही हैं तो उसको किसी और दिन, अनदर डे, दूसरे दिन आना चाहिए। ही वॉज अबाउट टू लीव, वह जाने ही वाला था, लीव छोड़ जाने वाला था, ही वॉज अबाउट टू लीव वेन ही टर्न्ड अराउंड एंड सेड, वो जाने ही वाला था जब उसने मुड़कर देखा, ही टर्न्ड अराउंड, वापस मुड़ा और कहा, मे आई सी द लिटिल वन सर, क्या मैं, मे आई, क्या मैं छोटी बच्ची को देख सकता हूँ। वह जाने ही वाला था और वह पूछे मुड़ा और उसने कहा कि क्या मैं छोटी बच्ची को देख सकता हूँ। He still thought of Minnie as a little girl. वो अभी भी सोच रहा था कि मिनी एक छोटी लड़की है।
Who came running to him and calling? जो दौड़ती हुई उसको बुलाती हुई उसके पास आ जाएगी। वो अभी भी सोच रहा था, विचार कर रहा था कि मेरी छोटी लड़की है जो दौड़कर उसके पास, दौड़कर पुकारती हुई उसके पास आ रही है। कैसे पुकारी? काबुली वाला, ओ काबुली वाला। तो ये वो अभी भी ऐसा सोच रहा था कि मिनी अभी भी छोटी सी बच्ची थी जो दौड़कर उसके पास आती और पुकारती थी, काबुली वाला ओ काबुली वाला। ही थॉट दे वुड टॉक एंड लाफ एज दे यूज टू डू लॉन्ग एगो। ही थॉट, उसने सोचा कि दे वुड टॉक, वो बातें करेंगे और हंसेंगे, एज दे यूज टू डू लॉन्ग एगो, जैसे वो बहुत पहले करते थे वैसे ही अभी भी वो बातें करेंगे और हंसेंगे। मिनी's father told him again that the marriage ceremonies were going on. मिनी के पिता ने उसको दोबारा से कहा कि शादी की रस्में चल रही हैं। The Kabuliwala then gave him a small packet of dried raisins, nuts and almonds for Minnie and said, जो Kabuliwala था उसने दिया उनको एक small packet, छोटा सा काबुलीवाला ने एक छोटा सा पैकेट दिया जिसमें क्या थे, सूखी हुई किशमिश, ड्राइड रेसिन्स, नट्स, अखरोट, आलमंड्स, बादाम फॉर मिनी, मिनी के लिए। और कहा जो काबुलीवाला था उसने एक स्मॉल पैकेट, छोटा सा पैकेट दिया जिसमें सूखी हुई किशमिश थी, अखरोट थे, नट्स थे और बादाम थे मिनी के लिए। और कहा गिव दिस टू द लिटिल वन, ये उस छोटी सी बच्ची को दे दीजिए। आई टू हैव अ लिटिल वन लाइक हर एंड आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग यू दिस ड्राई फ्रूट्स। उसने कहा मेरी भी एक छोटी सी बच्ची है इसकी तरह ही, आई टू हैव, मेरे पास भी है अ लिटिल वन, छोटी इसी की तरह, लाइक हर, एक छोटी लाइक हर इसी की तरह, एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, ऑफर एंड आई थिंक ऑफर, और मैं उसके बारे में सोचा, और ब्रिंग यू दिस ड्राई फ्रूट, और मैं आपके लिए ये ड्राई फ्रूट्स लेके आ गया। ड्राई फ्रूट्स कहते हैं मावा। मेरे पास भी एक छोटी सी बच्ची है उसी की तरह, उसके मैं उसके बारे में सोचता हूँ और तुम्हारे लिए यह मेवा लाया हूँ। उसने मिनी को देने के लिए कहा था और उसके बाद कहा कि मिनी को ये देते हुए ड्राई फ्रूट्स ये कह देना कि मेरे पास भी तुम्हारी तरह एक छोटी सी बच्ची है और मैंने उसके बारे में सोचा और मैं तुम्हारे लिए ये लेके आ गया ड्राई फ्रूट्स। मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स। मिनी के पिता कुड नॉट, नहीं, कंट्रोल मतलब रोक पाए अपने आंसू। मिनी के पिता अपने आंसू नहीं रोक पाए, नियंत्रण नहीं कर पाए। ही रियलाइज दैट द पुअर काबुली वाला वॉज ऑल्सो अ फादर। उन्हें रियलाइज़ हुआ, उन्हें याद आया, उन्हें महसूस हुआ कि काबुली वाला भी एक पिता है। ही कॉल्ड मिनी, उन्होंने मिनी को बुलाया। हु केम आउट ड्रेस्ड एज अ ब्राइड, जो कि बाहर आई शादी के कपड़ों में, दुल्हन के कपड़ों में बाहर आई। मुनी को बुलाया जो कि दुल्हन के कपड़ों में बाहर आई। द काबुली वाला वाज शॉक्ड टू सी दैट मिनी द लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल ही हैड नोन हैड ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन। जो काबुली वाला था बस शॉर्ट आश्चर्यचकित था, टू सी दैट मिनी, मिनी को देखकर आश्चर्यचकित था, दैट लिटिल गर्ल, वो छोटी बच्ची, वह छोटी बच्ची, ही हैड नोन हैड ग्रोन इंटू अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह छोटी बच्ची जिसको वह जानता था अब वो एक ब्यूटीफुल सुंदर स्त्री बन गई है, सुंदर स्त्री हो गई है। ही सडनली रियलाइज डैट हिज ओन डॉटर वुड हैव ग्रोन अप टू। उसको अचानक से महसूस हुआ कि उसकी खुद की जो बेटी है वो भी इतनी ही बड़ी हो गई होगी। एंड ब्रोक इन टू टीयर्स, और उसको आँखों में आंसू आ गए और वो रोने लगा, उसकी आँखों से आंसू आ गए। मिनीज़ फादर टुक आउट सम मनी एंड गेव इट टू रहमान। मिनी के पिता ने कुछ मनी निकाले, टुक आउट सम मनी, कुछ रुपये निकाले और रहमान को दिए, रहमान को दिए।
एंड सेड, और कहा, गो एंड सी योर डॉटर एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, जाओ और अपनी बेटी को देखो, गो एंड सी, जाओ और देखो योर डॉटर, अपनी बेटी को, मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, तुम्हें सारी खुशियाँ प्राप्त हों। मिनीज़ फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, मिनी के पिता ने शादी के जो शादी में जो एक्सपेंसेस खर्च था उसको कम किया, मिनी के पिता ने कट डाउन कम किया एक्सपेंसेस, खर्चा ऑफ द वेडिंग, शादी का खर्चा कम किया। ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड एंड द इलेक्ट्रिक लाइट्स, वो नहीं कर सकते थे क्या, अफोर्ड मतलब क्या होता है, ही कुड नॉट, वो नहीं अफोर्ड कर सकता था, वहन मतलब वो नहीं कर सकता, खर्चा पूरा नहीं कर सकता था, किसका, मिलिट्री बैंड का और इलेक्ट्रिक लाइट्स का, जो भी विद्युतीय बिजली से चलने वाले बल्ब थे, लाइट्स थे उनका, और जो मिलिट्री बैंड था वो उनका खर्चा पूरा नहीं कर सकता था। बट ही वॉज हैप्पी, बट फिर भी वो खुश था, दैट हिज मनी, कि उसकी जो रुपए हैं, उसकी जो मनी है, उसका जो धन है, हैड हेल्प्ड आ लॉन्ग लॉस्ट फादर, एक पुराने कई लंबे टाइम से बिछड़े हुए पिता की मदद कर पाए। मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन, अपनी इकलौती संतान से दोबारा मिलने में उसकी मदद कर पाए। लेकिन वे खुश थे कि उनका धन, उनके धन की सहायता से एक खोए हुए पिता अपनी इकलौती पुत्री से फिर से मिल गए, कि उनके पिता एक कि उनके धन की सहायता से एक खोए हुए पिता को अपनी इकलौती पुत्री फिर से मिल गई, वो खुश थे। अडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी काबुलीवाला बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ये जो काबुलीवाला का जो किस्सा लिया गया है ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कहानी जो लिखी काबुलीवाला उसमें से ये हिस्सा लिया गया है।